प्रिय विद्यार्थी, ये बात थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधी विचारों के बारे में। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में हमें एक ऐसा हथियार दिया जिसके माध्यम से हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के, अहिंसक तरीके से, बिना हथियारों का प्रयोग करके, मानसिक बल के आधार पर हम अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष करते हैं वही सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, सत्य प्लस आग्रह अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह में अन्याय करने वाले या विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि स्वयं कष्ट देकर जो अन्याय करने वाला है उसका हृदय परिवर्तित किया जाता है। सत्याग्रह के गांधी जी ने अनेक प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है असहयोग। असहयोग का मतलब है कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम अन्याय करने वाले के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक वो हम पर अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अन्याय करने वाले के साथ सहयोग करना बंद कर दें। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया था और जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया था। दूसरा इसका रूप है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का अर्थ है कि कानूनों का उल्लंघन करना विनय के साथ, अहिंसक तरीके से अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो अन्यायपूर्ण है तो उसका हम पालन नहीं करेंगे। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सफलतापूर्वक चलाया जब नमक कानून को तोड़ा गया और नमक सत्याग्रह किया गया। गांधी जी के सत्याग्रह का तीसरा प्रकार है प्रवचन या हिजरत। प्रवचन या हिजरत का अर्थ है कि अगर किसी स्थान पर रहने वाले लोगों को ये लगता है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो उस स्थान का उस समय के लिए स्वेच्छा से परित्याग करके दूसरी जगह चले जाते हैं, इसे कहते हैं प्रवचन या हिजरत। इससे क्या होता है कि जो अन्याय करने वाला है वो किस पर अन्याय करेगा, जब सभी लोग उस स्थान छोड़ के ही चले गए और जब उस अन्याय व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है तो लोग वापस अपने स्थायी निवास पर लौट सकते हैं, इसे प्रवचन या हिजरत कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार जो है वह है अनशन अर्थात उपवास। गांधी जी ने भी अनेक बार उपवास किया अन्याय का विरोध करने के लिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी प्रकार है सत्याग्रह के, जिनमें से एक है हड़ताल। लेकिन गांधी जी के अनुसार हड़ताल भी हमेशा अहिंसा होनी चाहिए, उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने अपने सत्याग्रह संबंधी विचारों के माध्यम से हमें अन्याय से लड़ने का एक नया तरीका सिखाया जिसमें हमें स्वयं कष्ट सहना है, अन्याय करने वाले को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, उसका हृदय परिवर्तन करना है और अन्याय के खिलाफ जाकर न्याय की लड़ाई लड़नी है, चाहे हम असहयोग के रास्ते पे चले, सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाए, प्रवचन या हिजरत का मार्ग अपनाए, अनशन का मार्ग अपनाए, हड़ताल का मार्ग अपनाए, या हम धरने और बहिष्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी जो विचार हैं वो तिलक के निष्क्रिय प्रतिरोध का एक कदम आगे हैं और इसके माध्यम से गांधी जी हमें अन्याय से लड़ने के लिए एक अहिंसक तरीका अपनाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।